नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु आथरे प्रथम हेडलाइंस आज कोरोना टीकाकरण शुभारंभ करिवे प्रधानमंत्री आरंभ हेबो विश्वर सबुठ बड़ टीकाकरण कार्यक्रम प्रथम दिन में देशर प्राय 3 लाख स्वास्थ्यकर्मी को दिया टीका राज्य में प्रथम दफार टीका ने 1,92,000 स्वास्थ्यकर्मी 161 केन्द्र में कर प्रस्तुति 18 वर्षर कम वयस्क और गर्भवती को टीका मना कमिशन को कमिशन खोर नीति एणिकी आउ मगणा अलिया उठाइबे नाही ब्रह्मपुर महानगर निगम नुआ वर्षरे नुआ नियम लागू बीएमसी रो अजब नीति को नै स्थानीय अंचलरे विरोध खेल हैला काल प्लास्टिक खेलना गिली 4 वर्षर शिशु पुत्र मृत्यु केन्दुछर आनंदपुर अर्जुन बणिया कारु आसला अभावनीय घटना बलांगीर हाथीशापड़े दुर्वृत्तों खंडा आक्रमण दुई गुरुतर पूर्व शत्रुतारु 15 रु 20 जन दुर्वृत्त आसी आक्रमण कर गुरुतर दुई युवक बुर्ला स्थानांतर नयगढ़ नाबालिका हत्या मामलें धरा पड़ा राज्य सरकार को बड़ मिछ एसआईटी मॉनिटरिंग हाइकोर्टे पहुंचनी सरकार चिठी सूचना अधिकार आईन बल में खोल राज्य सरकार पोल प्रश्न घेर में कैप्टेन और स्वतंत्र सचिव बाला चिठी डीजीपी मुहर मिछ कहले सरकार विधानसभा एसआईटी कोर्ट मॉनिटर कहु स्वाधिकार भंग नोटिस बीजेपी दावी कांग्रेस भी बर्सिला विरोधी प्रश्न में निरुत्तर बीजेपी मंत्री प्रताप जेना सुरक्षा कवच किए आईन मंत्री विरोध में 302 भली संगीन दफा हेले हाथ मारूनि पुलिस मंत्री को तदंत परिसरभुक्त सह मंत्रिमंडल बहिष्कार दावी कले विरोधी एवं आदर्श विद्यालय खोल नुआ कमर्स स्ट्रीम 2021-22 शिक्षा वर्ष राज्य 30 आदर्श विद्यालय खोल कमर्स विभाग स्कूल और गणशिक्षा विभाग पक्ष विज्ञप्ति प्रकाश आसिया संपूर्ण खबर को आज सारा देश में आरंभ हो टीकाकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सका 10:30 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया टीकाकरण अभियान आरंभ करेंगे यही समय समस्त राज्य एवं केन्द्र शासित अंचल मोट 2006 कोरोना टीका सेंटर जोड़े अवसर में प्रधानमंत्री को इन कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क आप्र शुभारंभ करेंगे जो टीका ने आप जरिया प्रथम पंजीकरण करेंगे आधार कार्ड पान कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस भली 12 दलिल मध्यम पंजीकरण टीका जरिया सरकार स्टॉक बाबत तदारख करेंगे प्रथम दिन में प्राय 3 लाख स्वास्थ्यकर्मी को 2,934 केन्द्र में टीकाकरण प्रत्येक टीकाकरण अधिवेशन में सर्वाधिक 100 जन टीका ने से भली राज्य में प्रथम दफार 1,92,000 स्वास्थ्यकर्मी को कोरोना टीका दिया तेणु राज्य में समस्त 161 केन्द्र में सबु प्रकार प्रस्तुति सरी सूचना रही स्वास्थ्य विभाग आशा कर सबकि सुरखुरी तेज गाइडलाइन अनुजाई 18 वर्षर कम वयस्क गर्भवती और स्तनपान करा महिला टीका दि जापरि स्वास्थ्य विभाग सूचना देखिए ठीक से 14 दिन भितर अगर किसी टीका नहीं व्यक्ति कोविड टीका दिज्वना कोविड लक्षण थे सुस्थ होबार 5 रु 8 सप्ताह पर टीका नहीं हेब अपरपक्षे टीकाकरण समय गंजाम सुंदरगढ़ और कैपिटल हॉस्पिटल परिसरर मुख्यमंत्री फीडबैक नेबार कार्यक्रम रही इन्हें अधिक सूचना पाई आम सहित सीधासल जोड़ रही ब्रह्मपुर आम प्रतिनिधि पीतांबर नाहक पीतांबर टीकाकरण अभियान आउ किसी समय पर आरंभ हो अपेक्षार अंत हो सारा देश में सारा विश्व में सारा आम राज्य में समस्त जो अपेक्षा कर रही थे से अपेक्षार अंत हो तो जानवाक चाहिए मुख्यतः ब्रह्मपुर किभली प्रस्तुति किभली सबकि सुरखुरी हेब कौन सब प्रस्तुति कर माधुरी निश्चित भाव कहीपर दिन थिला जो भाव में पूरा राज्य रे गंजाम जिला चकित करा कहीं गंजाम जिला गोटे हॉटस्पॉट जिले में परिणत होता विशेषकर ब्रह्मपुर सहर रेशम सहरवासी भयभीत अवस्था थे किंतु से ही प्रतीक्षार अंत कहीपर वर्तमान समय जो भाव में टीकाकरण व्यवस्था को त्वरान्वित कर आज से ही दिन आसी टीका दिज्व मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक गंजाम जिलार जो भाव में सिटी हॉस्पिटल टीका केन्द्र सहित जो अधिकारी अच्छा जो मैंने
प्रथम आसिक टीका देवे से सहित सीधासलख आलोचना करेंगे जमीक सूचना रही डॉक्टर सुनील कोटा टीका दे पारती प्रथम करी आम देखु पूरा चित्र आम बर्तमान सिटी हॉस्पिटल परिसर रही प्रस्तुति प्रणाली पूरा शेष पर्यायर जमीक टीकाकरण अधिकारी कार्यालय कथा कह जो मैंने पंजीकृत करेंगे सब कथ को गुरुत्व दि जाए सब गुरुत्वपूर्ण कथ हो गंजाम जिले में सर्वाधिक टीकाकरण केन्द्र मोट 11 टीका केन्द्र करो भाव में से टीकाकरण केन्द्र 11 10 सरकारी रही बेले गोटे बेसरकारी रही अंपटे सब अंपटे जो भाव में प्रत्येक टीकाकरण केन्द्र में 100 जन लाखे टीका दिजा जो मानक टीका दिजा पूर्व से मोबाइल को मेसेज दि जाए जिला प्रशासन व्यापक व्यवस्था करपटे जो टीका दिजा से गोटे गोटे उच्चस्तरीय अधिकारी नियोजित हे जमीक ब्रह्मपुर एमकेसीजी कथा कह एमकेसीजी दक्षिणांचल राजस्व कमिशनर एवं सिटी हॉस्पिटल गंजाम जिलापाल एमती प्रत्येक हॉस्पिटल जो जो टीका दिजा से उपरिस्थ अधिकारी उपस्थित हे आपण को आम चित्र देखा जो टीका दिजा से बेड्र व्यवस्था करीका देलापर अध 30 मिनिट जो मैंने टीका ने रे से साइड इफेक्ट कौन रही जदि सुस्थ रही से जो अध घंटार समय रही 30 मिनिट्र समय रही से जितेबले से 30 मिनिट हो मोबाइल को आउ गोटे मेसेज जीव मेसेज गलापर से निश्चित भाव घर को जापारे नतुबा जदि किसी साइड इफेक्ट रही साइड इफेक्ट मुताबक ब्रह्मपुर एमकेसीजी को स्वतंत्र व्यवस्था करठार चिकित्सा करमती टीकाकरण केन्द्र में प्रत्येक टीकाकरण केन्द्र में मुख्यतः 4 अधिकार रे जो मैंने 3 टीकाकरण अधिकार रहा सहित जड़े टीका प्रदान करें ए सबू स्थित को स्वतंत्र टीम गठन कर पूर्व 3 तमाम चित्र आम देखाई जो भाव में जिला प्रशासन कथा कह स्वास्थ्य विभाग कथा कह समस्त प्रकार व्यापक व्यवस्था करा तो निश्चित पाके कहीपर जो भाव में टीकाकरण प्रक्रिया को गंजाम जिले में निश्चित भाव गुरुतर सहित निपाई जे गंजाम जिलावासी निश्चित भाव कहीपर गोटे हॉटस्पॉट जिलूार आज से ही दिन को अपेक्षा करते जे केमी टीका प्रदान करमक टीका मिल कहीं गंजाम जिले में सर्वाधिक जो भाव में अधिक लोक रही 25,000 अर्ध लोक रही टीका पंजीकृत करपटे जो भाव में आज सबुठ सर्वाधिक टीकाकरण केन्द्र गंजाम जिले में रही पखापाखि 11 टीका केन्द्र रही विशेषकर ब्रह्मपुर सहर से 4 टीका केन्द्र रही तो निश्चित भाव आउ कई समय अपेक्षा वर्तमान समय जो मैंने टीका देवे टीका ने से आसिक पहुँचे एमती कि यही हस्पिटाल निजे गंजाम जिलापा उपस्थित रे सिटी हस्पिटाल मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक निश्चित भाव जो भाव में जो वार्तालापर किसी समय रही सिटी हस्पिटाल से टीकाकरण अधिकारी सहित जो मैंने टीका प्रथम ने सहित कथा सीधा सड़क जे टीकार पार्श्व प्रतिक्रिया कौन रही कि टीका देलापर कौन सेमती कि अनुभव करवर्त समय कौन चिकित्सा कर सब व्यवस्था को त्वरित करवरित सब प्रकार व्यवस्था किभली सुरखुरी से नहीं प्रस्तुति बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मपुर आम प्रतिनिधि पितामह नाहकाम सहित जोड़ रही है तेज सीधा सड़क जावा भुवनेश्वर भुवनेश्वर अच्छे आम प्रतिनिधि सुशांत सुशांत जाना चाहबू जेहतु आज किसी समय अपेक्षा रही अपेक्षार अंत होगा लगातार भाव आमको भुवनेश्वर कैपिटल हस्पिटाल चित्र देखा आम लगातार भाव आम दर्शकों को देखा किभली प्रस्तुति रही कि जाना चाहबू गाइडलाइन अनुजाई स्वास्थ्य विभाग विशेषकर गाइडलाइन अनुजाई कौन कौन सब प्रस्तुति टीकाकरण केन्द्र देखो तो माधुरी जेहेतु महामारी कोरोना समय रे ए जो टीकाकरण कार्यक्रम एवं टीका दिया दिहु तेणु विशेष भाव जो रही सामाजिक दूरता रक्षा करवा सहित मास्क पिंधा और जो मैंने भितर को एंट्री करेंगे जो मैंने टीका नापी जी से प्रथम सानिटाइज करापर से थर्माल स्क्रीनिंग होपर से जोबले भितर को प्रवेश करेंगे से मैंने डक्यूमेंट चेक करा सहित डक्यूमेंट भेरीफाई हो सारापर से टीका मानने टीका नापी भितर को छड़ा हे
जहाँकि आमको कैपिटल हॉस्पिटल जे डायरेक्टर रही लक्ष्मीधर साहु सी आमको जहाँ सूचना दौले जे मानने जो रही शहे जन जो मैंने आज टीके टीका ने से रोचर ये हॉस्पिटल कर्मचारी प्राथमिक पर्यायर से हॉस्पिटल शहे जन कर्मचारी मैंने शॉर्टलिस्ट कराई से मैंने ने 200 जन को आज डक से आशा रखिजे एथर 100 जन आसबे और 100 जन टीका ने आशा रखिंट आ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथ कही रखुच्छी माधुरी जोटा कि आप समस्त जानते हैं राज्य में प्रथम करोना रोगी चिन्हट होता मार्च 16 तारीख 2020 मसीह आज को ठीक पाखापाखि 306 दिन पर टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ हो गोटे राज्यवासी खुशी खबर और गोटे कह गए गोटे दीर्घ प्रतीक्षार अंत घटी सहित ये रही जो टीका नापी गोटे बहुत गुजब रही साइड इफेक्ट किसी रही पारे और अन्यान किसी हो पारे से जो रही सेगुड़िकर मना कर कहवा कथा जे सेगुड़िक साइड इफेक्ट किसी रही सहित कौन भयभीत न हो कि समस्ते आसिक टीकाकरण नापी कह सहित 10:30 समय जो रही मुख्यमंत्री जो क्षमा करेंगे प्रधानमंत्री जो इनाग्रेसन कर सारापर तापर ये टीकाकरण आरंभ हम ता सहित 12 बेले कार्यक्रम रही 12 बेले सीएम जो एठिकार जड़े जो नहीं टीका सहित कथबार्ता करिवार कार्यक्रम रही माधुरी बालेश्वर एवं सेठारे किभली पर्यायक्रमे किभली प्रस्तुति रही सीधासलख बालेश्वर जी आम प्रतिनिधि प्रकाश महांती आम सहित जोड़ी रही प्रकाश जानकु चाहिए बालेश्वर विशेषकर टीकाकरण केन्द्र में किभली प्रस्तुति कर जिला प्रशासन केते प्रस्तुत देखो माधुरी आज जो कोरोना मृत्यु संजीवनी टीका मैंने लोक मैंने ने जिला प्रशासन पक्षर राज्य सरकार पक्षर और भारत सरकार पक्षर पूरा प्रस्तुति पर्व गोटे प्रकार शेष होपन देखुं आम बालेश्वर फकीर मोहन हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज परिसर थे जो टीकाकरण से अच्छु सेठे जो मैंने टीका ने जो आगधाड़ योद्धा कोरोना योद्धा कहे से समस्त प्रस्तुत होती जो पर्यायक्रमे दिज्व आज प्रत्येक पांचटी केन्द्र कर पांचटी केन्द्र में 100-100 जन 500 जन को दिज्व कि प्रथम पर्यायक्रमे दिज्वि बालेश्वर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल परिसर या जो केन्द्र सेठार प्रथम पर्यायर 10 जन को दिज्व से पूरा प्रस्तुत अच्छा तास आप देखुं जो टीकाकरण कथा कहूँ जो हल कथा कहूँ प्रथम जो मैंने एटिक आसबे जो मैंने टीका नहीं वेटिंग हल कर सामाजिक दूरता बजाय रखा सह किमी से प्रथम आसिक अपेक्षा करेंगे ता परवर्त समय जो वैक्सीनेशन साइट जो अच्छी से साइट कुे से लगे बालेश्वर एडीएम आम सहित पाखे अच्छा सहित आम आलोचना करवा पूरा प्रस्तुति पूरा शेष पर्यायर पहुँची सर प्रथम जाने जो कथा कहे आज प्रधानमंत्री से उन्मोचन कर सारापर आप टीका समस्त प्रकार प्रस्तुति आम देखिए शेष होती कौन कौन सब व्यवस्था कराई बालेश्वर जिलार जो पांच केन्द्र कथा कहूँ सेठार प्रस्तुति केमी रही प्रथम पर्यायर कौ मानक दिज्व जो 10 जन कथा कह नहीं सबुआड़े प्रस्तुति संपूर्ण हो सारी आज आम खाली प्रधानमंत्री उद्घाटन उत्सव सरीगला आम आम पांच जगह सेन्टर एट टाइम आरंभ करूँ तेनाम पाक संपूर्ण प्रस्तुत आम जो मैंने बेनिफिशरी ने भी प्रस्तुत सबकि प्रस्तुत तेणु कौन सी प्रकार असुविधा नहीं आम जो मैंने सफे कर्मचारी आम तुम्हें आगे स्टार्ट करूँ सब वर्गर कर्मचारी के दिज्व जो मानकर किसी दाबी रही है से कहते आम आज टीका नबुनि आम जो दाबी कथा अच्छी से समस्या जो देखा से गुड़ाक कौन के विषय मुकबिला कर सेमानको आम देदेच प्रायोरीटी दे तुम्हें संपूर्ण ये तुम निजर इच्छा तुम वैक्सीन आम क्या जबरदस्ती करूँ ना से निज लिखी देखते आम नबुनि आम किसी दाबी अच्छी सरकार ता विषय आलोचना करपर से कहते सरकार आम आलोचना सरला आम वैक्सीन पुणी नबू से संपूर्ण नापी मना करना एवं बर्तमान पर स्थगित रखें नापी बालेश्वर जो पांचटी केन्द्र कहे कौ कौ जगह व्यवस्था कर प्रथम जमी बालेश्वर मुख्य डाक्तखाना जो सफाई कर्मचारी को प्रथम दिज्व खैरा रेमुना रुपसा और नीलगिरी ये सब जगह क्या क्या प्रथम दिज्व सेमती आम सबुआ गोटे सिस्टम काम करूँ जो पांचटा जगह आम नहींचु सफे कर्मचारी आम जो मैंने मेन कर्मचारी जो कम कर प्रकृत में सब आरंभ करूँ क्या स्टार्ट करवर्गर लोक दिज्व सबुआ सामान रही जगह सेन्टर में देखुले जो बालेश्वर मुख्य डाक्तखाना एडीएम जी आमको जो भाई सूचना देते जो वैक्सीनेशन रूम ये वैक्सीनेशन रूम ता परवर्ती समय समस्त प्रकार बर्तमान गोटे प्रकार पूरा प्रस्तुति सरी अपेक्षा कर जो 10:30 बेले केन्द्रमंत्री प्रताप चंद्र षडंगी से आसिक इनाग्रेसन करेंगे से देखते जो COVID-19 वैक्सीन कैरियर से गुड़ा अच्छी से प्रस्तुत सरी जो भाई एडीएम को सूचना दौले कि प्रथम जो कर्मी मानक नि कोरोना आगदाड़े जुद्धा अच्छा सफे कर्मचारी से पांचटी जगह जो कर पॉइंट से पांचटी पॉइंट से वैक्सीनेशन करडीएम आँचल
सारे समस्त गोटे प्रकार प्रस्तुति शेष होमें देखा जो कोरोना योद्धा मैंने अच्छा से नापी जो भाई भाव प्रस्तुत होती से समस्त गोटे प्रकार एटे पूरा अपेक्षा कर रही जो वैक्सीनेशन पॉइंट बाहर जो गुड़ा अच्छी तो से पूरा प्रस्तुत होने प्रतिक्रिया ना से उत्साहित अच्छा जे कि कोरोना टीका नापी से कौन केमी रेजिस्ट्रेशन कर अच्छा मैडम आप जो कोरोना टीका ने प्रथम पर्यायर आपको अग्राधिकार दि जाइए प्रथम दस जन भितर आप रही जो कथा कहूँ जो गुजब उठू कि कोरोना टीका ने गोटे कौन प्रकार सैड इफेक्ट रहा प्रतिक्रिया रोज से मन में किसी भय अच्छे ना बस उत्सुकता भय अच्छी कि तथा आम मन मानने आग्रहता नहीं कि आसीचु निबू आम ना बाहर पब्लिक लोक ने आग्रह प्रकाश करी मन भितर जब एम भय रखा तो आम दूर रोग मुक्त हवा केमती तेणु करके मन दूरटा करें आसीचु नवा आ देखते मन में जदि जदि जो मैंने आग धाड़ योद्धा से नियंती अन्न मान मन दूर निश्चित भाव देखिए अच्छा आपन जो टीका ने जो किमी कौन पंजीकरण कले कौन केमी आप प्रणाली रही है से विषय में सविशेष तथ्य टे देते अन्न मैंने सेमती जापारे किमी पंजीकरण कले कौन करापर आप आसे सब विषय विस्तृत आम सी डी पी ओ मैडम आम ना सब देते आमको कल व्हाट्सअप मेसेज आ हॉस्पिटल सार हूँ फोन भी कर मेसेज भी कर आठटा रु दसटा भितर हूँ आसपाई कही आ दसटा साढ़े दसटा सुधा सरीज बोली आज्ञा अपेक्षार अंत होगा सारा राज्य में समस्ते प्रस्तुत देशवासी प्रस्तुत रही किसी समय पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जार अभियान ये टीकाकरण रही है टीकाकरण अभियान आरंभ करेंगे आउ कि समय अपेक्षा रही है साढ़े दसटा समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया टीकाकरण अभियान आरंभ करेंगे समस्त राज्य में प्रस्तुत रही किभली टीकाकरण केन्द्र मानक प्रस्तुति जोरदार कर शेष पर्यायर पहुंची किभली कोविड टीका दिज्व किभली सुरखुरी एक कार्य संपादन होने समस्त प्रकार शेष पर्यायर पहुंची तेरे एने सीधा सड़क कोविड टीकाकरण विशेषकर कोविड टीकाकरण कौन सब प्रस्तुति रही है ये तो आपने शुणुते परवर्त समय टीकाकरण अभियान संपर्क देश एक भल दिन विश्वर सबुठ बड़ टीकाकरण अभियान आज एवं अल्प समय पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में आरंभ करे लोक कल्याण मार्ग से साढ़े दसटा बेले विभिन्न राज्यर टीका दिजा केन्द्र सह संपर्क रखिकी देश को संबोधित करिवे कोरोना वैक्सीन रो महामारी विश्व रे पखापाखी एक वर्ष हला तर तांडव करला विश्व जनता विशेष करके आम देशर नागरिक माने साहसर सह ताकु मुकाबिला करले आम समस्त मिसिकी विशेष करके कोरोना वारियर माने स्वास्थ्य सेवा रे लागिथिबा बंधु माने आईन श्रृंखला को नियंत्रण करुवा बंधु माने संतुलित ढंग से लोक पहुँचवे आपण माने तथा देशर समस्त नागरिक सहभागी हेले परास्त करिवार सफल हेले किंतु वैक्सीनेशन गोटे गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप ये जन अभियान रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ को आज आरंभ करिवे विभिन्न राज्यर सरकार माने ताकु क्रियान्वयन करिवे आम राज्य ओडिशा रे भी ताकु सठिक भावे क्रियान्वयन हबो इटा आमर अपेक्षा आरंभ रे जो भलिया केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग प्रोटोकॉल बनेछि कोरोना वारियर मानको आग दिया जीवो परवर्ती अवस्था रे जो कु जो भलिया निर्देश हबो जो भलिया योजना हबो अन्य समस्त को दिया जीवो मोर विश्वास भारत केवल निजकु सुरक्षित करिवो एहा नुहे विश्वर अनेक देश भारत उपर निर्भर विश्वर विभिन्न देश को भी भारत टीका पहुँचेब भारत विश्वर टीका उत्पादन रे एक अग्रणी देश भाव एक विश्व शक्ति भाव यही थर समस्या पर निजक प्रतिष्ठित कर देखु प्रथम तो मोर जहाँ अनुमान कोरोना वारियर मानक टीका दिजा साढ़े दसटा हो सब कथा जना पड़
ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଲାଗିଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ସେ ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଆଗ, କାରଣ କରୋନାର ପ୍ରକୋପ ପୁରା ସରିନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଏବେ କିଛି କିଛି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପୁଣି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କରୋନା ପୁରା ନିପାତ ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ୟାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା ସାରା ଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇଥିବା ଏ ମହାମାରୀ କିଭଳି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ମାତ ଦେବାକୁ ଆଜି ଆସିଯାଇଛି ଟୀକା, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ନିଜର ଦମ ଲଗାଇଥିଲେ କିଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦମ ଲଗାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏ ଟୀକାକରଣ ଅଭିଯାନକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତ, ଯିଏକି ସାରା ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବ ବୋଲି ଯାହାକି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅର୍ଥାତ 10:30 ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଟୀକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟୀକାକରଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 10:30 ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଏହି ଟୀକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ଆପଣମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏଭଳି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କିଭଳି ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି ସେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କିଭଳି କୋଭିଡ୍ ଟୀକା ଦିଆଯିବ, ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏ କାମ କିଭଳି ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଅବସରରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୋୱିନ୍ ବା କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନେଟୱାର୍କର ଆପ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ, ଗର୍ଭବତୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟୀକା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି 14 ଦିନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଟୀକା ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ଟୀକା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ତ 16 ତାରିଖ, ଆଜି ସାରା ଭାରତରେ ଆମର ଟୀକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 6ଟା ସେଣ୍ଟର୍ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ୟୁନିଟ୍ 4, ଏମ୍ସ, କିମ୍ସ ଆଉ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ BMC, 6 ଜାଗାରେ ଆମର ଆଜି ହେବାର ଅଛି। ଆମର ଏଇଠି 100 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରଖିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ 200 ଜଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ, ସେଥିରୁ ହୁଏତ 100 ଜଣ ବି ଆସିବେ। ତେଣୁ 100 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଜି ଟୀକାକରଣ କରିବୁ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଇ ଯେମିତି କରିଥିଲୁ ସେଠାରେ ଆଜି ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ଆମେ କରିବୁ। ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ, ସେ ଠିକ୍ ଲୋକ କି ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତା'ପରେ ତାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବାର ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ରେ ରଖିବୁ। ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ରଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଯଦି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନହେଲା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଔଷଧ ଦେଇକି ବି ଛାଡ଼ିବୁ। ହଁ, ଏଠାରୁ ସବୁ ଜାଗାରେ କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭାଷଣ ପରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏକା ଭାବରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ଆମେ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲର ଯେତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଦେଉଛୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଏମ୍ସ, କିମ୍ସ ଏବଂ ସମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଟୀକାକରଣ ଅଭିଯାନ, ସିଧାସଳଖ ଯିବା ପୁରୀ, ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ଆଲୋକ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ବିଶେଷ କରି ପୁରୀରେ ଟୀକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି? ଆଲୋକ, ନିଶ୍ଚିତ ମାଧୁରୀ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମାନ 10:30 ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ। ଆମେ ଅଛୁ ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ଆମେ ମାଧୁରୀ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ପୁରୀ ସହ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଧୁରୀ ସମାନ 10,806 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କହିପାରିବା 7,000 କୋଭାସିଲ୍ଡ ଟୀକା, ଯାହାକି ସେରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି କୋଭାସିଲ୍ଡ ଟୀକା ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମେ କହିପାରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ୱେଟିଂ ରୁମ୍। ଆପଣ
ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୱେଟିଂ ରୁମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିବେ ଯେଉଁ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ANM ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏଠି ୱେଟିଂ କରିବେ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି LED ଦୃଶ୍ୟ LED ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେହେତୁ ପୁରୀରେ ଆମେ କହିପାରିବା 6 ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଟିକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେହେତୁ ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର MCH ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ବଳିଆ ପଣ୍ଡା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କହିପାରିବା ପିପିଲିର ଯେଉଁ ରହିଛି ମଙ୍ଗଳପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଗୋପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଆମେ କହିପାରିବା ସତ୍ୟବାଦୀର ଅଳଗୁମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଏହି 6 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି ଏଠାରେ ଟିକାକରଣ ଦିଆଯିବ ଏବଂ 100 ଟିକାକରଣ କରାଯିବ ଇଏ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ MCH ବିଲ୍ଡିଂର ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଅବଜରଭେସନ ରୁମ୍ ମାଧୁରୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ହୁଅନ୍ତୁ ANM ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଟିକାକରଣ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରିବେ ସେମାନେ ଏଇଠାରେ ବସିକି ରହିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଅବଜରଭେସନ ରୁମ୍ ଏବଂ ଅବଜରଭେସନର ବେଡ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଟିକା ନେବେ ଯଦି କିଛି ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଅବଜରଭେସନ ବେଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଲେଖାଏଁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ ବା ଅବଜରଭେସନ କରିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଧୁରୀ ସେ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ହେଉ ସାରା ଦୁନିଆ ହେଉ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେତେବେଳେ ସେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୀରେ ତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି କୋଭାସିଲ୍ଡ ଟୀକା ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ସମାନ 10:30 ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଟୀକା ନେବେ ଅହେତୁକ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି ମାଧୁରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରୁଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟର ରୁମ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଏରିଆ ରହିଛି ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ରୁମ୍ ଯେଉଁଠାରେ କି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଯାହା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି 100 ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ପ୍ରତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାଧୁରୀ 25 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଇଏ ହେଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟର ରୁମ୍ ବା ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଟୀକା ଯେଉଁ ଦିଆଯିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେହି ରୁମ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଛି କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ମାଧୁରୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 10,806 ଜଣ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଅହେତୁକ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ରହିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେତେବେଳେ ସେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଧୁରୀ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବିଶେଷ କରି ୱେଟିଂ ହଲ୍ ଅବଜରଭେସନ ରୁମ୍ ଏବଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁରୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆସୁତ ସମସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଅଚାନକ ପାରଦ ଖସିବା ଫଳରେ ତୁଷାରପାତର ପସରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାତିରେ ପାରଦ ତଳକୁ ଖସିବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବରଫର ଆସ୍ତରଣ ଜମି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଫଳରେ କୋଇଡ଼ାରେ ଜନଜୀବନ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ମାଲଦା କାଲଟା ଟେନସା ଏବଂ ଡେଙ୍ଗୁଳା ପାଟମୁଣ୍ଡା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ତୁଷାରପାତର ଏକ ଶ୍ୱେତ ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଥିଲା ରାତିରେ ପାରଦ ତଳକୁ ଖସିବା ପରେ ତାପମାତ୍ରା 8 ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି ସମୟ ସରିଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନମସ୍କାର।